बिल्कुल, सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता और बहुत वक्त बाकी है। कितना ही सीखा है, बहुत सारा सीखना बाकी है। तो ये तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि और सीखे, बहुत सारे टाइप के गाने सीखे। अपना जो शास्त्रीय संगीत है उसमें अपना और भी दखल आना चाहिए। तो वो बिल्कुल, आपने जो पूछा तो बिल्कुल सवाल तो एकदम जायज है, बिकॉज अभी उम्र पड़ी हुई है तो सब सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि एक एक इट्स अ बिग कोइंसिडेंस कि अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, और यूं है कि अभी ही मैंने ये डिसीजन लिया है पिछले 1-2 महीने से कि मुझे म्यूजिक ही करना है। काफ़ी साल से मैंने जॉब किया, उसके साथ साथ म्यूजिक भी कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने जॉब से ब्रेक लिया हुआ है कि मुझे म्यूजिक ही करना है। और उसी स्टेप में, उसी डायरेक्शन में मैं चल पड़ी हूँ, और आप सबका आशीर्वाद और गुड विशेस मुझे चाहिए कि इसमें मैं कामयाब हो सकूं। हाँ जी, तो आपका सवाल था कि कैसे ये डिसीजन पे आई मैं। तो यूँ हुआ कि पढ़ाई और उसके बाद नौकरी, उसके बाद मैं मुंबई आ गई। मुंबई में नौकरी के सिलसिले में ही आई, हालांकि तो नौकरी करते करते तभी, क्योंकि ये मुंबई है तो अपना जो है संगीत का रास्ता फिर से खुल गया। ऐसा लगा कि मुझे ऐसे बहुत से कलाकारों से मिलने का मौका मिला जो संगीत में ही फुल टाइम थे, और उनके साथ में गाने लगी। स्म्यूल नाम के एक ऐप है जहाँ पे और भी काफ़ी को सिंगर्स से मुलाकात हुई। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिकल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने मुझे फीचर किया, तो उसके वजह से और भी लोगों से मुलाकात और मुझे शोज मिलने लगे। तो मुंबई में काफ़ी सारे ऐसे वेन्यूज़ में, जैसे दादर जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, माटुंगा क्लब, हाई, ऐसे बहुत से जगहों में, फिर पलेटियम जहाँ पे सलीम सुलेमान साहब के साथ सामने गाने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे जगहों में गाते गाते क्या हो गया, वो संगीत जो है बहुत रेगुलरली फिर से ज़िंदगी में मतलब वापस आ गया, अपने रियाज के अलावा भी। तो जब आप शोज़ करो तो वो माइक हाथ में लेके अपने श्रोताओं के सामने, ऑडियंस के सामने, वो एक अलग ही थ्रिल है जो मैं काफ़ी सालों से खो चुकी थी क्योंकि नौकरी और इसी में आ गई थी। बट फिर से जब वो लाइफ में वापस आया तो बहुत अच्छा लगने लगा, और मैं एकदम रेगुलरली उसे परस्यू करने लगी। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, कि बैलेंस भी हो रहा था काफ़ी, कि नौकरी एक तरफ और वीकेंड्स में शो। और लेकिन, और उसके बाद हमारे सबके लाइफ में जो डूम आया वो था पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आते ही सब कुछ बंद हो गया, जिंदगी जैसे रुक सी गई और कुछ भी नहीं था। सडनली देर वॉज अ पॉज टू एवरी थिंग दैट वी ऑल डिड। वैसे ही एक रात बहुत डिप्रेस्ड होके एक गाने का लाइन मैंने गा के, मैं यूजुअली पुराने गाने बहुत गाती हूँ, मुझे उनमें बहुत ज़्यादा सोल महसूस होता है, अपने आप को ढूंढ पाती हूँ उसी गाने में। तो मैंने अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वो गाने के कुछ लाइन्स मैं गा के मैंने ट्विटर पे पोस्ट करके सो गई थी। रात को 1:30-2 ऐसे कुछ कुछ तो बजे थे। तब तब के दिनों में बहुत इंसोम्निया भी हो गया था, वो ऐसे बंद रह रहे के। सुबह उठ के मैंने देखा कि कुछ 3,000 नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पे, मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर देखा वो गाना बिल्कुल वायरल हो चुका था। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ जैसे संगीतकार, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, शेफ्स, विकास खन्ना जी, ऐसे ऐसे बहुत लोग, मैं बिनाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो संगीत समझते हैं और संगीत प्रेमी हैं, सब ने उसको बहुत ही मतलब सराहा और प्यार दिया और एकदम वायरल हो गया। बहुत से पब्लिकेशंस ने फिर फीचर किया, NDTV, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, और ऐसे मैंने छोटे छोटे इंटरव्यूज दे उनको कि कैसे क्या। तो अच्छा लगा कि एक कम्युनिटी बन गई थी ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी, जो गाना सुनना चाहते थे और ऐसे ही पुराने गाने, तो रोज़ गा के मैं ऐसे डालने लगी और खूब सारा प्यार मिलने लगा। और उससे ही मुझे फिर से प्राइवेट शोज जो है मिलने लगे, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि संगीत ऐसे हो भी सकता है कि आप दर्शकों से साथ में नहीं जुड़ो लेकिन जूम पे आप कर लो ऐसे। तो जूम पे वो सेटअप्स करके, म्यूजिक के सेटअप्स करके फिर गाने लगे, और ऐसे मतलब बहुत से मौके आने लगे और बहुत लोगों से जुड़ने लगी। उसी बीच क्या हुआ कि पैंडेमिक में जब बहुत सब लोग डिप्रेस्ड हुआ करते थे, रात में मैंने एक ना रेडियो फॉर्मेट के शो ऐसे शुरू किया मैंने, जिसको लेट नाइट म्यूजिकल्स बोलती थी। पुराने गाने, बिल्कुल पुराने गाने, 50s के, सुहानी रात ढल चुकी, ऐसे गाने।
गाती थी, और इस सब गानों के बारे में कुछ ट्रिविया अपने ऑडियंस से शेयर करती थी। जैसे मेरी जान जो गाना है वो कैसे सिर्फ विब्रोफोन के सहारे गाया गया है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे चीजें शेयर करती थी। और देखते देखते इसका जो है बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गया इस शो का। रात में कितने लोग ज्वाइन करते थे, पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सारे पार्टीज जैसे एक साथ जुड़ गए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये अलग पार्टी है वो अलग पार्टी, सबको एक साथ लेके वो शो होता था। हालांकि पूजा भट्ट जी, महेश भट्ट साहब, ये लोग भी इस शो में आ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। यही करते करते सब लोग मुझे बहुत एनकरेज करते कि आप संगीत को फुल टाइम क्यों नहीं ले रहे हो, आपका जो आवाज़ है ये आवाज़, सब बोलते कि बहुत नॉस्टैल्जिक गाना उनको सुनने सुनना अच्छा लगता है मेरी आवाज़ में। तो ऐसे सुन सुन के और बहुत सारे मौके भी आ रहे थे फुल टाइम शोज करने का, या किसी के ब्रांड के लिए एक नो एक्सक्लूसिव शो करने का, मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि साथ में अगर नौकरी हो तो आप वो कर नहीं सकते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अभी बहुत हो गया, अब अगर इतना पुश मिल रहा है, इतना प्यार एनकरेजमेंट सब मिल रहा है हर जगह से, तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए। ये अब मैं मानती हूँ एक ब्लेसिंग है कि भगवान ने अगर आवाज़ दिया है, प्यार मिल रहा है, तो बिल्कुल इसे यूज़ करना चाहिए। इसीलिए बढ़ चुकी इस दिशा पे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।